दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्र हास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एग्जाम से पहले कुछ विशेष बातचीत लेकर आया हूं, विशेष बातचीत करूंगा आपसे। परसों से हरियाणा पुलिस का एग्जाम शुरू हो जाएगा और उस एग्जाम को लेकर हरियाणा के अंदर बड़ा चर्चा का माहौल बना हुआ है। एग्जाम को लेकर वो चर्चा का माहौल कैसा है, लोग बागों ने क्या क्या अफवाह उड़ा रखी है हरियाणा पुलिस के एग्जाम को लेकर, क्या हकीकत है कि इस प्रकार का कार्य होगा या अब की बार कोई बड़ा खेल रचने वाला है एग्जाम के अंदर, बड़ा खेल खेल होने वाला है एग्जाम में, तो इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर अभी एक ही बात चली हुई है कि हम कुछ दलाल है वो बच्चों को पागल बना रहे हैं कि हम उनका एग्जाम करवा देंगे, 10 लाख रुपए में एग्जाम करवा देंगे, 15 लाख रुपए में एग्जाम करवा देंगे। अरे भैया, 15 लाख रुपए आप आज आपको अच्छे लगने लग गए, थोड़े दिन पहले से यदि आप 6-7 महीने पहले को तैयारी करने लग जाते किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर या घर बैठ के या किसी भी लाइब्रेरी में आप तैयारी करने लग जाते तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाता। पहली बात तो 10-15 लाख रुपए देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि क्या हकीकत के अंदर ऐसा खेल खेला जाने वाला है कि 10 लाख रुपए में सिलेक्शन हो जाएगा, 15 लाख रुपए में सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ने वाले बच्चों का होगा क्या? तो देखिए दोस्तों, माहौल इस प्रकार का बना दिया गया है, पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का माहौल है कि हमारा तो सेंटर भी चेंज हो गया, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हमने सेंटर बदलवा लिया, जिस स्कूल में हमारी सेटिंग थी उसके आधार पर भी हो गया। तो हम हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर थोड़ा सा सख्ती बरती जाए। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल बन चुका, पूरे हरियाणा के अंदर हर शहर में, हर लोगों के माइंड में, हर बच्चों के माइंड में ये है कि एग्जाम होगा, हमारे पास में फोन आ रहे हैं, हमारे पास में ये हो रहा है, एग्जाम कन्फर्म होगा और एग्जाम करवाने वाले भी बहुत हैं। इस प्रकार से फोन आ रहा है कि अरे कि रात को एग्जाम पढ़ा देंगे, पेपर पढ़ा देंगे, रुपए बाद में दे देना आप। इस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर भाई साहब ये माहौल बन चुका है। तो सरकार भी थोड़ा सा सख्त हो, HSSC जो बोर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा सख्ती से निपटाई करे और इस एग्जाम को इतना भयंकर लें कि जो दलाल हैं उनको सबक लगे कि भविष्य के अंदर यदि कोई भी एग्जाम हो, भविष्य के अंदर यदि कोई भी एग्जाम हो तो वो इन चीजों को लेकर सोचे भी नहीं कि हरियाणा के अंदर एग्जाम होगा लीक या नहीं होगा, इस प्रकार से कोई बातचीत भी ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कमजोरी है, थोड़ी सी कमजोरी सरकार की भी है, HSSC बोर्ड की भी कमजोरी है। भाई आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, मान लो आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, लेकिन उस हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले 10 दिन पहले कोई पुलिस के अंदर ही कोई और एग्जाम होता है। आज आपका कॉन्स्टेबल का, लेकिन 10 दिन पहले पुलिस का कोई एग्जाम और होता है, तो आप 10 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है उसकी देखेंगे, उसकी तैयारी को देखेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे, उस एग्जाम का पैटर्न देखेंगे और उस एग्जाम को आप अपनी दृष्टि से भी देखेंगे कि ये एग्जाम लीक हुआ या नहीं हुआ, हरियाणा सरकार ने कितने बेहतरीन स्तर के ऊपर ये एग्जाम लिया, हरियाणा के अंदर क्या लीक वगैरह के केस वगैरह बनते हैं या नहीं बनते और किस प्रकार का पैटर्न आया, देखेंगे या नहीं देखेंगे। उसके 10 दिन बाद में आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा तो आप उसी के आधार पर शारीरिक तैयारी करेंगे, मतलब जितनी भी तैयारी करनी है वो 10 दिन पहले जो एग्जाम हो उसी के आधार पर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जनवरी के अंदर 9-10 जनवरी को एग्जाम होता है ग्राम सचिव का, वो ग्राम सचिव का एग्जाम बड़े स्तर पर लीक होता है। ग्राम सचिव का एग्जाम जिसमें 6,72,000 बच्चे थे, हरियाणा पुलिस में तो बच्चों की संख्या इससे लगभग दुगनी है। तो ये याद रखिएगा साथियों कि ये सब अफवाह चलाई जा रही है, नहीं सिर्फ ग्राम सचिव के एग्जाम के ऊपर है। ग्राम सचिव का एग्जाम जो हरियाणा के अंदर एक बड़ा एग्जाम था वो लीक हुआ था, तो उसी के आधार पर ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि हरियाणा के अंदर लीक होगा, ये जो पेपर है हरियाणा पुलिस का ये पेपर भी लीक होने की संभावना, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला हुआ है। और यदि देखो साथियों, यदि होगा ना तो कोई बड़ा ही खेल होगा, ध्यान रखना, होगा ना तो कोई बड़ा ही खेल होगा। और यदि जिस दिन एग्जाम लीक हो गया तो एग्जाम कैंसिल भी होगा और एग्जाम दोबारा भी होगा, तिबारा भी होगा, चौथी बार भी होगा और पांचवी बार भी होगा। लेकिन लगेंगे पढ़ने वाले, ध्यान रखना ये बात, लगेंगे पढ़ने वाले एग्जाम को। अरे प्रत्येक शहर में 10-10 दलाल बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम करवा देंगे एग्जाम, इस प्रकार की बातें हो रही है, बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। यदि इस प्रकार के दलाल सभी शहरों के अंदर, हरियाणा के सभी जिलों के अंदर बैठे होंगे इस प्रकार के, तो ये समझ लो कि एग्जाम तो भाई साहब कन्फर्म हो जाएगा लीक। लेकिन वो एग्जाम यदि लीक हो गया और उसकी न्यूज़पेपर वगैरह में यदि वो पता लग गई सरकार को या किसी भी प्रकार से न्यूज एजेंसी को पता लग गई तो एग्जाम कैंसिल होगा,
कैंसिल होगा तो मान लो ये दलाल फिर करवा सकते हैं, तो फिर कैंसिल होगा, फिर करवा सकते हैं तो फिर कैंसिल होगा, लेकिन बाद में लगेगा वही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, लगेगा वही व्यक्ति जिसने मेहनत कर रखी है, तैयारी कर रखी है। तो अब की बार यदि एग्जाम लीक भी नहीं हुआ ना, तो भी भाई साहब बेहतरीन तरीके का एग्जाम आएगा। यदि एग्जाम लीक भी नहीं होता तो भी बेहतरीन तरीके का एग्जाम आएगा। तो साथियों, इन चीजों में बिल्कुल आप मत पढ़ो कि हरियाणा के अंदर एग्जाम लीक होगा या नहीं होगा। आपके माइंड के अंदर क्या चला हुआ, आप दो दिन का टाइम है, आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से रूटीन से बेहतरीन तरीके से एग्जाम तक तैयारी करते रहिए। अफवाहें तो ऐसी ही उड़ती है, और कुछ अफवाहें ऐसी भी होती है जो आपका मनोबल तोड़ती है, तो आपके मनोबल तोड़ने के लिए भी ये अफवाह हो सकती है। तो आप इन अफवाहों में ध्यान ना दो, अफवाहों के बाजार से बचो, और देखो एग्जाम लीक हो या ना हो, आपने यदि बहुत बेहतरीन तैयारी की है ना, तो साथियों आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो ये ध्यान रखना। दो दिन से हम सुन रहे थे कि वो भी इस प्रकार से, मतलब ये एग्जाम लीक होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से सभी के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम लीक होगा, कन्फर्म होगा, और इस प्रकार से है। पहले भी लीक हुए हैं, बहुत एग्जाम बच्चे लगते हैं। अरे दोस्तों, आप सभी जी दौड़ तैयारी करते रहिए, एग्जाम लीक हो या ना हो आपका सिलेक्शन होगा, यदि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत मार रखी है। लीक हो गया मान लो 1%, सरकार को पता लग गया, HSSC बोर्ड को पता लग गया, एग्जाम होगा कैंसिल। मान लो फिर एग्जाम करवाया, फिर लीक हो गया, एग्जाम होगा फिर से कैंसिल। और एक समय ऐसा आएगा कि एग्जाम में वही बंदे लगेंगे, वही लोग नौकरी लगेंगे जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रखी है। तो मैं आपके सामने आज इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि अफवाहों का बाजार है, अफवाहों के बाजार में आप ना बिके, आप इन चीजों से बचे। 10-15 लाख रुपए देकर आप कॉन्स्टेबल लगेंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। आप पढ़कर कॉन्स्टेबल लगे, 10-15 लाख रुपए दिए फिर आप कॉन्स्टेबल लगे, ये आपकी मूर्खता होगी। आप अपना जितना पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दे के आए, उसी से आपका एग्जाम पास हो सकता है, यदि आपने बहुत बेहतरीन तैयारी कर रखी है। तो साथियों, आप मेरे साथ में लगातार बने रहिए, और जितनी भी जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।